गुड मॉर्निंग। अब हम लोग एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स का। इस एक्सरसाइज में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका 0. कई सारे जीरो हैं, टोटल 11 जीरो हैं, 85 है। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का मींस ये जो डेसिमल यहाँ है, ये आपका डेसिमल, थोड़ा मैं इसे और जूम कर दूं, ओके। सो अब आपको क्या करना है, ये डेसिमल है, इसे मूव करना है 8 और 5 मींस आपको 8.5 इस तरह से लिखना है इनटू 10 टू द पावर। अब आपका ये एक्सपोनेंट आएगा। एक्सपोनेंट आपका कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव होता है उसका एक ट्रिक है। आप देखो, आप जो डेसिमल है, ये आपका डेसिमल है, आपको डेसिमल को इधर आप किस साइड मूव कर रहे हो, आप राइट साइड। ये किस साइड हो गया, ये राइट साइड। तो राइट साइड जब भी हम लोग नंबर सिस्टम में जब भी डेसिमल को हम लोग राइट साइड मूव करते हैं तो उसका जो एक्सपोनेंट होता है, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा और नेगेटिव एक्सपोनेंट जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स हमने कितने शिफ्ट किए हैं। अगर मैंने 5 डिजिट शिफ्ट किया है राइट साइड तो उसका -5 एक्सपोनेंट होगा। अगर मैं 10 डिजिट में राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ डेसिमल को तो उसका एक्सपोनेंट होगा -10। अगर मैं 20 डिजिट को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूँ डेसिमल को तो आपका एक्सपोनेंट होगा -20। तो अब आप काउंट करो कि आपने डेसिमल को कितने डिजिट आपने शिफ्ट किया है। तो काउंट करने के लिए सिंपल सा है, चूंकि 8 के बाद मैं यहाँ डेसिमल ला रहा हूँ तो आप इसे काउंट कर लो। ये आपका होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मीन्स 8 के बाद अगर मैं 8 का जो पोजीशन है डिजिट का वो आपका 12th पार्ट पे है, इसलिए 8.5 × 10⁻¹¹ ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली अब आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि 942 को आपको लिखना होगा 9.42 × 10⁻¹¹। अब आपका यहाँ नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। क्यों होगा नेगेटिव एक्सपोनेंट, क्योंकि ये जो डेसिमल है इस डेसिमल को हम लोग किधर मूव कर रहे हैं, राइट साइड। ये आपका हो गया राइट साइड। तो जब आप राइट साइड मूव कर रहे हो तो रूल है कि डेसिमल को जब भी अगर आप राइट साइड मूव करो तो उसका एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सपोनेंट का जो इंटीजर्स है वो डिपेंड करेगा कि आपने नंबर ऑफ डिजिट कितने शिफ्ट किए हैं। तो आप 9 के बाद रख रहे हो डेसिमल तो आप काउंट कर लो कि आपने कितने डिजिट शिफ्ट किए। काउंटिंग के लिए सबसे ईजी वे है, आप इस तरह से डॉट लगाते जाओ क्वेश्चन पे, काउंट करो। ये आपका टोटल ये होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये जो 9 है वो आपका क्या आ गया, 12 आ रहा है। 12 आ रहा है मीन्स आपने 12 डिजिट को शिफ्ट किया है, तो आपका 10⁻¹¹ ये आपका आंसर हो गया। नाउ सिमिलरली अब आप देखो, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअल में आपका 602000 के बाद कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं के मतलब है कि आपको लास्ट में क्या डाल सकते हो, आप एक डेसिमल डाल करके अब आप एक जीरो डाल सकते हो। और इस क्वेश्चन में आपका डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म 602 का मतलब आपको सिर्फ फर्स्ट डिजिट रखना है। ये 602 है ना आपका, आपको लिखो 6.02, ओके 6.02 इंटू 10⁻¹¹। अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 में तो डेसिमल है ही नहीं, डेसिमल आपका किधर है, एकदम राइट साइड में है, और आप डेसिमल को किधर मूव कर रहे हो, ये 6 तक ला रहे हो। मीन्स आप ये डेसिमल को किस साइड मूव कर रहे हो, लेफ्ट साइड, ओके। तो जब आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो तो इसका रूल्स होता है एक्सपोनेंट का, कि जब भी हम लोग डेसिमल को लेफ्ट साइड मूव करते हैं या शिफ्ट करते हैं तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा, जब डेसिमल को डेसिमल पॉइंट अगर हमारा लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, डेसिमल पॉइंट किस साइड लेफ्ट कर रहा है, ये लेफ्ट साइड,
लेफ्ट साइड अगर मूव करता है तो उसका एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट हमें हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो है वो उसका जो इंटीजर है वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने डिजिट शिफ्ट किए हैं लेफ्ट साइड में। तो आप इसे काउंट करो, काउंट करने के लिए आप यहाँ नंबरिंग करो, ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये लास्ट आपका आ गया 15, क्योंकि जीरो के बाद आप डेसिमल ला रहे हो, तो जीरो के बाद डेसिमल ला रहे हो, ये मीन्स आपने 15 डिजिट को डेसिमल को मूव किया है, और वो आपका डेसिमल किधर है, वो आपका लेफ्ट साइड है, इसलिए इसका होगा 6.02 × 10⁻¹⁵। ये आंसर है, और ये आपका प्लस रहेगा। प्लस क्यों रहेगा बेटा, क्योंकि आपने डेसिमल को क्या किया है, लेफ्ट साइड मूव किया। तो याद रखो डेसिमल के लिए राइट और लेफ्ट में प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव ये एक्सपोनेंट कब होगा, ओके, एक्सपोनेंट कब होगा, अगर यदि आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट अगर आप मूव करते हो, ओके, ये आपका डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, अगर आपने पॉजिटिव कब हो रहा है, डेसिमल को जब आप कब कर रहे हो, लेफ्ट, लेफ्ट मींस आप नंबर सिस्टम में लेफ्ट साइड अगर आप मूव कर रहे हो डेसिमल को, तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट को अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हो, किस साइड मूव कर रहे हो आप, राइट साइड, तो अगर आप जब भी डेसिमल को आप राइट साइड मूव करोगे तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा हमारा, आपका हमेशा नेगेटिव होगा। सिमिलरली अब आप देखो क्वेश्चन नंबर, थोड़ा और मैं जूम कर दूं इसे, क्वेश्चन नंबर 4 पर, अब आप 4 पे आप आओ, तो ये डेसिमल है, डेसिमल आपका स्टार्टिंग में मिल गया, मीन्स आपको डेसिमल को किधर मूव करना है, राइट साइड में मूव करना, आपको डेसिमल को मूव करना है राइट साइड में, और जब भी आप डेसिमल को राइट साइड में मूव करोगे, इट मीन्स आपका जो एक्सपोनेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, वो नेगेटिव होना चाहिए एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट डिपेंड करेगा कि आपने कितने नंबर ऑफ डिजिट्स को शिफ्ट किया है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था कि सिंगल डिजिट के बाद में आपको डेसिमल रखना है, मींस 837, ऐसा नहीं कि 83.7, नहीं, आपको लिखना है 8.37। तो आप सिर्फ इसे लिखो 8.37, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब 10 का आपको एक्सपोनेंट सिर्फ डिसाइड करना है कि इस 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो एक्सपोनेंट के लिए आप नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो कि आपने कितने डिजिट शिफ्ट किया है डेसिमल को। तो स्टार्टिंग ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मीन्स आपने 8 के बाद अगर डेसिमल रख रहा है, यानी आपने 9 डिजिट को शिफ्ट किया है, तो अब आपका एक्सपोनेंट 10 का पावर 9 तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि आपने डेसिमल को राइट साइड मूव करा है, अगर आप लेफ्ट साइड मूव करते तो आपका पॉजिटिव होता। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 8.37 × 10⁻¹⁹ आ गया आपका। सिमिलरली अब आप ये क्वेश्चन इसे आप देखो, 3186, ऐसा कई सारे जीरो है ना, तो इसमें आपका डेसिमल तो कहीं दिया ही नहीं है, तो कोई भी नंबर अगर डेसिमल में नहीं है, इट मींस उसका लास्ट में आप डेसिमल पॉइंट डालकर और आप इसे जीरो लिख सकते हो। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं कि 25 रुपीज, मीन्स ये आपको होगा 25.00 रुपीज या 25.0 रुपीज, आप लिख सकते हो कोई भी नंबर, ये आपका डेसिमल नंबर तो नहीं है, लेकिन डेसिमल नंबर नहीं है, अच्छा स्क्रीन पे नहीं आ रहा, आप यहाँ देखो 25 रुपीज को आप लिख सकते हो 25.0 रुपीज, क्योंकि आप लास्ट में डेसिमल डालकर आप जीरो डाल दो, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे मैं अगर 625 रुपीज, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 625 रुपीज एंड 00 पैसे,
या 625.00 रुपीज। तो नंबर के बाद में आप डेसिमल डालकर जीरो डालो, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होता आपका। तो इस क्वेश्चन को अब आप देखो, क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपका क्या आ गया, ये क्वेश्चन है 3186000000। ओके, इसमें डेसिमल कहीं नहीं, इसलिए मैंने लास्ट में डेसिमल डालकर जीरो डाल दिया। अब आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने क्या बताया कि सिंगल डिजिट के बाद आपको डेसिमल डालना है। तो सिंगल डिजिट आपका 3 है, तो आप इसे ऐसे लिखो 3 के बाद आप जस्ट यहाँ डेसिमल डालो, तो ये आपका हो गया डेसिमल। डेसिमल के बाद डालो 186, ये हो गया आपका 186। ओके, इंटू 10 to the power। अब आपको 10 का एक्सपोनेंट पता करना है कि 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा, और दूसरा आपको ये भी देखना है कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल अगर हमारा राइट साइड मूव कर रहा है तो राइट साइड में आपका निगेटिव होता है, और अगर लेफ्ट साइड मूव होगा तो आपका पॉजिटिव होगा। तो इसमें देखो, डेसिमल तो आपका स्टार्टिंग तो है नहीं यहाँ, आपका तो डेसिमल इस साइड है, इट मींस आपको इधर लाना है, इधर लाना। तो ये आपका क्या होगा, ये कौन सा साइड है, ये लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जब भी डेसिमल मूव करता है तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा आपका, मींस इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो आपका होगा पॉजिटिव। एक्सपोनेंट हमेशा क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट डिपेंड करेगा कि आपने डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड। तो अब आप काउंट करो, काउंट करो, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ये आपका 10 आएगा, क्योंकि 1 के बाद आपको इधर डेसिमल रखना है ना, तो मीन्स आप 10 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो। तो 10 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो और ये आपका लेफ्ट साइड है, तो एक्सपोनेंट तो 10 होगा, लेकिन वो निगेटिव नहीं होकर पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड किया। तो इसका होगा आंसर 3.8186 × 10^10, यही आपका आंसर हो गया आपका। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 आपका बता रहा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म एक था आपका प्रीवियस क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि आपको एक सिंगल डिजिट लेना है, सिंगल डिजिट के बाद में आपको डेसिमल डालकर जो भी आपके डिजिट आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, और 10 के बाद में ये आपका यहाँ क्या आएगा, एक्सपोनेंट। ये क्या आएगा आपका, एक्सपोनेंट। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और यूजुअल फॉर्म क्या हो गया, यूजुअल फॉर्म आपका मीन्स आपको जैसे ये कैसा आपका नंबर है, यूजुअल फॉर्म मीन्स 3200000000। ओके, ये सब आपका कौन सा फॉर्म है, ये यूजुअल फॉर्म, या नहीं तो 08265.6200008, इस तरह का भी क्वेश्चन है ना। ये सब आपका किस फॉर्म में, ये सब आपका यूजुअल फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म में डिफरेंस क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग जो ऐसे नंबर को कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो वो रहेगा ही, लेकिन वो उसमें 10 का एक्सपोनेंट होगा,
कोई भी नंबर सिस्टम को हम लोग 10 का एक्सपोनेंट में लिख लेते हैं, और डेसिमल हमेशा सिंगल डिजिट के बाद में डेसिमल होगा। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10^-11। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है? ये आपका फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्यों? क्योंकि मैंने इस नंबर में डेसिमल जो है सो सिर्फ एक डिजिट के बाद में मैंने डेसिमल को ले लिया है। ओके, सो अब आपको यूजुअल में कन्वर्ट करना है। यूजुअल में आप कन्वर्ट करोगे, आपका फर्स्ट है आपका 3.02 मल्टीप्लाइड बाय 10^-6। तो 10^-6 का मतलब क्या हो गया आपको कि -6, याद रखो कि आपका 10 का एक्सपोनेंट माइनस कब होता था और प्लस कब होता था, ये आपको याद रखना होगा। ओके, नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट कब होता है? जब हम लोग डेसिमल को डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। किस साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे? राइट साइड। अगर डेसिमल पॉइंट को हम लोग शिफ्ट करते हैं राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। तो अब ये आपका 10^-6 है, इसका मतलब ये क्या है? ये आपका राइट साइड शिफ्ट है। अब आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा, वो भी कितने डिजिट आपको 10^6 है, मींस आपको 6 डिजिट लेफ्ट साइड आपको मूव करना होगा। तो कैसे करोगे आप? आप 6 है ना, आप इसे फर्स्ट आप काउंट कर लो, ये आपका 1 फिर 2 3 4 5 6। तो एम्प्टी बॉक्स आपका क्या होगा? फील्ड 0 से होगा, तो आप करो 0000। ओके, और इसके बाद ये डेसिमल डालकर आप यहाँ डाल दो, तो ये अब आपका ये डेसिमल रिमूव हो गया और इसका आंसर आएगा आपका 0.00012345 45 और फिर 302 यही आपका आंसर आएगा।